आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जी भी मेरे दोस्त हैं। आज मेरे शॉप पर अमित भाई आए हुए हैं बेंगलोर से और माशाल्लाह जी बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं। सबसे पहली बात, तबला तो अच्छा बजाती हैं, अच्छे इंसान हैं और सुर उसी के हाथ में बोलता है जो अच्छा इंसान हो और हार्ड वर्क करे। तो माशाल्लाह से साउथ में रह करके साउथ इंडियन साज ना चुन करके, वैसे तो साउथ इंडियन कोई साज नहीं होता, जो लोग कहते हैं ना साउथ इंडियन ये वो, कोई इंडियन नहीं होता, इंडियन तो इंडियन है और हर साज इंडियन है। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है हमारी इंडिया का, इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो अमित जी बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं और वहाँ के बड़े फेमस तबला प्लेयर हैं, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे से कम 4 या 5 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग बड़े आपस में एक दूसरे से अच्छे काम की डिस्कस भी करते हैं। तो ये मेरे से इन्होंने एफ शार्प पर तबला लिया है। देखिए अमित जी आपको कैसा लगा है? नहीं, मैं पहले इतना ही बोलना चाहता हूँ, तो वीडियो का इतना मेरा ये नहीं है, लेकिन एक बात बोलना ही चाहिए गुल्लू भाई के बारे में। 4-5 साल बाद जैसे उन्होंने कहा, वैसे बड़े राम कुमार जी ने मेरे को उनका नंबर दिया और मेरा हमारा परिचय हुआ। तो तबला तो बहुत सारे बनाते हैं, आप देखे होंगे इंडिया में बहुत सारे बनाने वाले हैं आजकल, वीडियो भी खूब बना। वीडियो भी वो तो यही है, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन गुल्लू भाई के बारे में ये है, बहुत अच्छा इंसान है। और इनका जो तबला मैंने जैसा अभी 4-5 साल पहले एक उस टाइम भी एफ ई लिया था, F4 सफ़ेद 2 का एक दो तबले लिया था, वो एफ तबला अभी भी वैसे 5 साल बाद बज रहा है वैसा ही बज रहा है, तो उनका कोई डिफरेंस नहीं। वो हमारा मेंटेनेंस भी है, लेकिन जो इनका शाही का तरीका है और स्किन का जो इनका जो मटेरियल इनका यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसा मेरे को लगता है। और बस इतना ही हमारा ऐसा ही 4 साल से चल रहा है। आज मैं दिल्ली आया था तो इनका सोचा कि इधर आ जाऊँ तो थोड़ा तबला भी एक बहुत अच्छा लगा एफ शार्प का। तो मेरा आप देखे होंगे जब सुर ऊंचा जाते हैं तो बहुत मेटालिक हो जाता है, मेटालिक हो जाता है, लेकिन ये बहुत इतना ऐसा जैसा आप सफेद 2 या सफेद 1 का बजाने से तो जो आपको मुलायम वो आवाज आता है ना, जो टोन क्या सस्टेन क्या बोलते हैं, वैसा ही है इसका इसका तबला भी, तो यही है। और धजा भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाई है, कॉपर का है, सिंधी बोल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, हम कन्नड़ा में तो सिंधी बोलते हैं, हमारा सिंधी बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली क्या है, ये 100 का साज है और जब तक 100 का साज भी अच्छा ना बोले अमन जी तो फिर क्या फायदा, आप 1000 वीडियो बनाइए लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही अच्छा ना बोले। सबसे मेन चीज है इंस्ट्रूमेंट अच्छा बोलना चाहिए। और आजकल क्या लोग कर रहे हैं आप देख ही रहे होंगे, घरों में बैठ के तबला बजा के पहले दिखाना फिर कहते हैं ए देखो जी मैंने बनाया ये। तो हमारे पास जो जितना भी काम होता है वो जेन्युइनली काम होता है और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं खुद तबला अभी मैंने इनको ये डी शार्प पे था, और ये भी बताना चाहता हूँ इसका शाही बहुत कम था, मैं उनके बाद जी सामने वीडियो की बोल रहा हूँ बहुत कम था और मैंने बैठ के अभी इनसे बनवाया और अभी भी काम बाकी है, वीडियो चल रहा है ठीक है। ये देखिए एफ शार्प का, ये डी शार्प का तबला बल्कि डी पे था तबला और एफ शार्प पे किया और ऐसा बोल रहा था जैसे डी शार्प पे बोल रहा था और डी पे बोल रहा था, वही टोन सेम वही टोन इसकी एफ शार्प पे आई। तो लोगों की जो है ना थिंकिंग ये है कि भाई हम बैठ के बजाते हैं, लेकिन असलियत तो सोना ही रहता है और सोना जब बनता है जब वो तपता है। जितना भी लोग मैं तो ये कहूँगा तबला बजाने वाले हैं वो बनाने वाले से खरीदें, मैं ये नहीं कहता मेरे से खरीदें, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी काम हो रहा है, बॉम्बे में भी काम हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है और पुणे में हो रहा है काम, बनारस में बड़े बढ़िया बढ़िया बजाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, हैदराबाद में भी हैं, शायद आपके बेंगलोर में भी हों, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ बनाने वाले से। अब मैंने जैसे आपसे कहा आप अपना स्कूल खोलिए, लेकिन आप सोचो यार मैं थोड़ा सा स्कूल में तो मेहनत होगा, चलो तबले बनाने की दुकान खोल लेता हूँ, तो फिर आपके हाथ में बनाना थोड़ी आएगा। आपने किसी से भी परचेज किया, बजाया, दिखाया, लेकिन किसी ने कहा भाई जैसे अभी आपने मेरे से कहा ये डी का तबला मुझे एफ शार्प का चाहिए, वो मैंने कर दिया, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा बजा के दिखा सकते हो, बस बना नहीं सकते, बजाना ही हमारा काम है। राइट, बजाना क्या है, सीखना ही है, बजाना तो दूर की बात है, स्टूडेंट लोग हैं हम अभी भी स्टूडेंट लोग ही समझते,
नहीं, मैं तो अभी मैं तो अभी इसमें सीख ही रहा हूँ और पूरी जिंदगी संगीत में कोई भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही बनने में ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि मुझको जितनी भी बारीकियां बताते हैं हर एक आर्टिस्ट बताता है, हर आर्टिस्ट का एक अपना अलग मिजाज है, अलग अंदाज है। जितने आर्टिस्ट हैं, जितने आज मैं जिस लेवल पे हूँ वो आर्टिस्टों की दुआओं से और उनकी ब्लेसिंग से हूँ। अगर आप लोग ही खुश नहीं होंगे तो मैं कितना भी बढ़िया तबला बनाऊँ तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। और एक सभी से मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है गुल्लू म्यूजिकल कैंप के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और बढ़िया बढ़िया सुझाव लिखें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपका भाई का नाम होगा और आप अच्छे काम के लिए दूर तक पहुंचाएंगे। तो अमित जी थोड़ा सा आप बजा के दिखाइए। जो कोई हमारा बेंगलुरु में है कोई देख रहा हो तो प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिए, उनकी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी पूछते हैं किधर का है तबला गुल्लू भाई का है। जितने भी बेंगलोर में है, मेरा बेंगलोर में एक ही जो ना नंबर है अमित भाई। तो आप को अगर अच्छे तबले की ख्वाहिश है तो आप बेंगलोर में हो या साउथ में कहीं भी हो और मुझको समझ नहीं आए तो आप अमित जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, और ये बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं और इनका इजीली आपको सबको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आजकल जो मेरे पास साउथ से फोन आते हैं वो कहते हैं उनको वो अपनी भाषा बोलते हैं। अभी भी बहुत आए, मैंने कहा कन्नड़ से आए, हैदराबाद से भी आ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम काफी हो गई है। इंग्लिश हो तो आदमी थोड़ी समझ भी ले। हमें जी ठीक लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। सभी से ये गुजारिश है कि मेरा फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी ब्लेसिंग की मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नमस्ते सर।